कोरोना से मचे हाहाकार के बीच ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में इसके मामले अचानक बढ़ गए हैं। दिल्ली में भी इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से हमारे सहयोगी अंजना ने खास बातचीत की। मेरा पहला सवाल आपसे यही कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महामारी घोषित करने की स्थिति आ गई है ब्लैक फंगस को लेकर, कितने केसेस हैं, परेशानी कितनी ज्यादा बढ़ गई है और कोविड के जो ओवरऑल हालात है, केसेस तो घट रहे हैं, मौत का आंकड़ा, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि थोड़ा सा राहत पहले से हम महसूस करें, क्या परिस्थिति आप बताएंगे राजधानी की? दिल्ली के अंदर जो आज केसेज आए हैं वो 3231 केसेज आए हैं, जो कि हाईएस्ट एक दिन में 28,000 थे। 28,000 से घटते हुए 3,000 के पास आए हैं, काफी उसको देखते हुए राहत का विषय लगता है। डेथ जो है वो 233 है, डेथ अभी भी काफी ज्यादा हैं जिनको हम मान सकते हैं, परंतु डेथ हमेशा जो आपके केसेज हैं उस केसेज से 10 दिन या 15 दिन पीछे चलता है, यानी आज से 10 दिन पहले जो केसेज आ रहे थे उसके हिसाब से चल रहा है। धीरे धीरे डेथ कम हो रही है, पहले 350-400 तक भी गया था, उससे कम होती जा रही है। पॉजिटिविटी जो है 5.5%, 5.5% है, जो कि 36% तक पहुंच गई थी, तो अभी पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे कम हो रही है, थोड़ा राहत का विषय है। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी भी किसी भी तरीके से हम इसको वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड, हम अपनी सतर्कता को कम नहीं कर सकते हैं। देखो ये जब चढ़ना स्टार्ट हुआ था ना, उस टाइम पे दिल्ली में 200-300 केसेस पर डे आ रहे थे, काफी दिनों तक ऐसे रहा कि 200-250-300 आए, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए 200-300 से बढ़ते बढ़ते 28,000 तक पहुंच गए। तो 28,000 तक जब पहुंचे तो आज हमें 3,000 कम लग रहे हैं, परंतु 300 से देखें तो 300 से 3,000 काफी ज्यादा है। तो हमारे को अभी काफी सतर्क रहने की जरूरत है, और केसेस कम हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट सभी सतर्क रहेंगे और सभी ध्यान रखेंगे तो इसको और कम किया जाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मृत्यु का जो आंकड़ा इतना ज्यादा है, इसकी वजह से कई लोगों का मानना है कि क्या टेस्टिंग में कमी हो गई है इसलिए पॉजिटिविटी रेट में गिरावट आई है, इसको कैसे एड्रेस करेंगे आप? देखिएगा, देखिए टेस्टिंग में कमी होने से कभी पॉजिटिविटी कम नहीं होती, बढ़ती है, और टेस्टिंग कम भी नहीं हुई है। टेस्ट दिल्ली के अंदर लगातार 60,000, 70,000, 80,000, 1,00,000 हो रहे हैं। लॉकडाउन होने की वजह से केसेस और टेस्ट थोड़ा सा कम जरूर हुआ है। पहले लोग मार्केटों में जाते थे, हमने मार्केट्स में बहुत सारे कैंप लगाए हुए थे, तो हम वहां से सैंपल लिया करते थे, मार्केटें बंद हो गई हैं। पहले बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में आते थे, ओपीडी में आते थे, आजकल नहीं आ रहे हैं, तो इसकी वजह थोड़ा कम हुआ है। बट दिल्ली में जो टेस्टिंग है, देश के एवरेज से 5 गुना टेस्ट हो रहे हैं, पर मिलियन टेस्ट देखेंगे आज भी दिल्ली के अंदर पूरे देश के एवरेज से 4 गुना 5 गुना टेस्ट हो रहे हैं, कोई टेस्टिंग कम नहीं हुई है। दिल्ली इज द ओनली स्टेट जहां पर सबसे ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो रहा है। जब 28% पॉजिटिव थी, 36% पॉजिटिविटी थी, तब भी हमने दिखाया, हमने 28,000 केसेज एक दिन में थे तब भी बताया आपको। अगर केसेस कम हो रहे हैं तो अच्छी बात है, वैसे भी आप पता कर लीजिएगा, अड़ोस पड़ोस में अब नए केसेस बहुत कम आ रहे हैं, किसी से पता करते हैं। जिस टाइम पर 28,000 केस आए थे, हर तीसरा आदमी पता लगता था वो पॉजिटिव आ गया, आज पॉजिटिविटी पहले के मुकाबले में कहीं कम है। अब ब्लैक फंगस के मुद्दे पर आते हैं। ब्लैक फंगस के मामले जिस तरह से राजधानी में बढ़े हैं, इस पर जानकारी दीजिए, परिस्थितियां खराब हैं। जिस इंजेक्शन की जरूरत है म्यूकोरमाइकोसिस में, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, वो अस्पतालों में उपलब्ध ही नहीं है। अब केंद्र राज्य सरकारों को दे रही है, राज्य सरकारों को अस्पताल को देना है, अस्पताल के पास ये इंजेक्शंस है नहीं, मरीजों की आंख और जिंदगी पर बनाई है। सत्येंद्र जी, बिल्कुल आपने जो सही बताया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को देगी और राज्य सरकार सारे अस्पतालों को देगी, इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि केंद्र सरकार जिस दिन देगी उसी दिन हम अस्पताल को दे देंगे। अभी केंद्र सरकार से आने हैं, जैसे आएंगे सेम डे वो अस्पतालों को दे दिए जाएंगे। जितने भी इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबकी कैपेसिटी को केंद्र सरकार के अब कंट्रोल में है, वो जिस स्टेट को जितना जितना अलॉट करेंगे उतने ही मिलेंगे। मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली के अंदर 197 केसेस कल थे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लैक फंगस के, और जो ये केसेस हैं इसमें दिल्ली के लोग भी हैं, कुछ थोड़े बहुत बाहर के लोग भी हैं, उनको मिलाकर 197 केसेस जो हैं पूरे दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में हैं। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, ब्लैक फंगस बहुत ही इस तरह का इन्फेक्शन है जो होने के बाद काफी मुश्किल है ट्रीट होना। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको होने से रोका जाए, एक कहावत है ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जिन लोगों को कोरोना का इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटलाइज जितने भी लोग हुए हैं या आईसीयू में रहे हैं, उन सबको स्टीरॉयड की हैवी डोज दी जाती है, काफी लंबे समय तक दी जाती है। कुछ लोगों को घर में भी स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं। स्टीरॉयड देने से दो चीजें होती हैं, आपका इम्यूनिटी लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, और आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से बढ़ जाता है। अगर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं होगा और आपका इम्यूनिटी कम होगा, तो इस
फंगस का आपके शरीर पर इफेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी तरीके से डॉक्टर की सलाह लेकर अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना है।